सावन से लगे देवभोग में लोकसराज अभियान के शिविर में जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और उन्हें एक ही दिन में दो लोग स्वराज अभियान और खड़मा में शिरकत की। इसके साथ ही मितानिनों की खाली पेटी देखकर मंत्री ने सीएमएचओ को फटकार लगाते हुए गलती के लिए बर्खास्त करने की चेतावनी दी। आंगनबाड़ी भवन में बिजली नहीं होने की शिकायत पर क्रेडा और विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाई गई। उन्होंने लोकसराज और जनसंपर्क पदयात्रा से पार्टी को फायदा होने की बात कही। लोकसराज शिविर में आवेदनों की लगातार संख्या बढ़ने पर उन्होंने कहा कि लोगों में विकास की ललक बढ़ रही है। पहले बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं के लिए आवेदन आते थे, अब लोग व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आवेदन कर रहे हैं। और ये गलती जरा सीएमओ आप देखो, कोई मितानिन का दवाई पेटी खाली नहीं होना चाहिए। देख लेना सर, जिले में कितना पंजीयन है? भाई भरी रहनी चाहिए। मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूँ, ये करीन को दे और ये गलती जरा। देखिए, लोक सुराज सरकार का कार्यक्रम है और जनसंपर्क पदयात्रा पार्टी का कार्यक्रम है और ये दोनों कार्यक्रम जो है वो जनता के हित के लिए है और उन जनता के हम जितने ज्यादा हित करेंगे उतना ज्यादा पार्टी की साख बढ़ेगी, ये हमारा प्लान है।